देहरादून की सुप्रसिद्ध साहित्यकार डोली डबराल कृत काव्य संग्रह तुम्हारे नाम का लोकार्पण नगर निगम के सभागार में भव्य समारोह किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी तथा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध शायर व बाल साहित्यकार डॉ. शेखर गर्ग ने आकर समारोह की शोभा बढ़ाई। वहीं सभागार में अनेकों डॉ. फारूक मेयर एवं विधायक विनोद चमोली, प्रसिद्ध जागर गायिका बसंती बिष्ट तथा दैनिक जागरण के प्रमुख संपादक कुशल कोठियाल जैसे गणमान्य व्यक्ति भी काव्य कृत तुम्हारे नाम के लोकार्पण में उपस्थित रहे। डोली डबराल ने बताया कि जिस प्रकार से हिंदी भाषा विलुप्त होती जा रही है उसे बचाने के लिए उन्होंने अनेकों हिंदी पुस्तकें लिखी हैं, जिससे कि हिंदी जैसे अहम विषयों से लोगों का लगाव सदैव बना रहे। धन्यवाद। मुख्य उद्देश्य क्या था, किस तरह पहले भी आप विमोचन कर चुके थे, बहुत सारी पुस्तकें निकाल चुके हैं जी, अहम बात है किसमें क्या जी? इस पुस्तक का जो अहम विषय है वो ये है कि मैं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लिखती हूँ। जिस तरह से हमारा हिंदी सब्जेक्ट जो है बिल्कुल ही आजकल विलुप्त होता जा रहा है, 12वीं के बच्चे भी बिल्कुल साइंस में और मैथ्स में या कंप्यूटर से चिपके रहते हैं, और घर की जो महिलाएं हैं वो भी आएँ और उनको भी हिंदी के प्रति अपनी जागृति हो, और मैं दोनों भाषाओं को हिंदी और उर्दू को मिलाने के लिए एक गंगा जमुनी भाषा का प्रचार के लिए भी मैं ज़्यादातर लिखती हूँ। और मैंने नारी संवेदनाओं को बहुत आसानी से उकेरा है कि वो किस तरह से क्या वो महसूस करती हैं जब वो घर के बंद दरवाज़ों में रहती हैं। उसी तरह से मैंने राजनीति पर भी व्यंग कसा है कि किस तरह से 5 साल एक पार्टी जो है वो जुगत लगाती दौड़ती है कबड्डी के माध्यम से, और दूसरी जो है वो उसको पकड़ कर घेरने की कोशिश करती है। कुछ कविताओं में मैंने ये भी लिखा है कि बहुत से पार्टियां जो हैं वो अच्छे दिन दिखाने की हमको भरसक कोशिश करते हैं, और तरह तरह के हमको लुभावने प्रपंच और उनसे लुभाती हैं, लेकिन उन पर मैंने एक कटाक्ष किया है। इसी तरह से मैंने कुछ गज़लें लिखी हैं जो कि कई नारियों को जो खास करके जो तलाकशुदा नारियां हैं वो अपने जीवन में अपने पति के वियोग को कैसे सहती हैं, उनकी पीड़ा को मैंने व्यक्त किया है। मैंने गाँव की गढ़वाल की जो हमारा पलायन हो रहा है उसके बारे में भी मैंने लिखा है कि किस तरह से वो पगडंडियों पर घास उगाती है और वो पगडंडियाँ बिल्कुल खाली हो गई हैं कि जो विदेश उनके बच्चे जाते हैं वो लौट के माँ बाप की सुध नहीं लेते और पत्नियों को भी यहाँ पर छोड़ जाते हैं। उस पत्नी की पीड़ा को भी मैंने इसमें व्यक्त किया है, और मैंने छोटे शिशु को भी व्यक्त किया है कि वो शिशु किस तरह से कहता है कि अगर मैं एक जादू का अगर मुझे अलादीन का दीपक मिल जाता तो मैं किस तरह से राम राज्य को पुनः ले आता और मैं सबके मन में जो है एक प्यार की भावना जगाता, आपस के विद्वेष को हटाता। इसी तरह से मेरी बहुत ही एक सशक्त हास्य रचना है।